आए मीका की किताब पर एक नजर डालें। मीका एक नबी थे और वो यहूदा के गांव मोर्शेत से थे। उन्होंने पेशगोई की कि इसराइल और यहूदा को तबाह कर दिया जाएगा। मीका ने जो मिसालें दी उनसे पता चलता है कि वो गांव की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने तकरीबन 60 साल नबूवत की। उन्होंने यहूदा के बादशाह योताम, आखज और हिस्किया के दौरे हुकूमत में खिदमत की। उन्होंने अपनी किताब यहूदा में 717 कबलस मसीह से कुछ अरसा पहले मुकम्मल की। होसी और यिसाया नबी ने भी इसी दौर में अपनी किताबें लिखीं। मीका यरूशलम की तबाही नहीं देख पाए जिसकी उन्होंने पेशगोई की, क्योंकि ये उनकी मौत के काफी अरसे बाद हुई। लेकिन शायद उन्होंने इसराइल के दारुल हुकूमत सामरिया की तबाही देखी हो। मीका की किताब में 7 बाब हैं। पहले और दूसरे बाब में इसराइल और यहूदा की बगावत और नाइंसाफियों, खासतौर पर औरतों और बच्चों के साथ नाइंसाफियों के बारे में बताया गया है। इनमें यहोवा ने आगाह किया कि सामरिया तोदे की मानिंद हो जाएगा। यहोवा ने यह वादा भी किया कि वो अपने बंदों को यरूशलम वापस लाएगा और उन्हें भेड़ों के गले की तरह इकट्ठा करेगा। 3 से 5 बाब में मीका ने बनी इसराइल के पेशवाओं, नबियों और काहिनों के बुरे कामों और लालच की वजह से उनके खिलाफ सजा का पैगाम सुनाया। मीका ने पेशगोई की कि इसके नतीजे में सय्यून खेत की तरह जोता जाएगा और यरूशलम खंडर हो जाएगा। लेकिन मीका ने यह पेशगोई भी की कि आखिरी दिनों में यहोवा खुदा की इबादत झूठे मजाहब से सरबुलंद होगी और सब कौमों के लोग यहोवा के घर के पहाड़ पर पहुंचेंगे। क्या आप जानते हैं, यहोवा खुदा के इल्हाम से मीका ने यह पेशगोई भी की कि मसीह बैतलहम इफ्राता में पैदा होगा। ये पेशगोई उस वक्त पूरी हुई जब यीशु वहां पैदा हुए। आप इसे मीका 5 बाब की 2 आयत में पढ़ सकते हैं। 6 और 7 बाब में बताया गया है कि लोगों ने यहोवा खुदा और उसके कवानीन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। इन अबवाब को पढ़कर लगता है कि जैसे एक मुकदमा चल रहा है और यहोवा अपने बंदों से तवक्को करता है कि वो इंसाफ करें, रहमदिली को अजीज रखें और फिरौतनी से चलें। लेकिन ताजिरों ने खुदा के कवानीन को नजरअंदाज कर दिया और नापतोल में बददियानती करके अपने भाइयों को धोखा दिया। मीका ने इस बात पर इत्तमाद भी जाहिर किया कि यहोवा मीका की इल्तजाओं को सुनकर इंसाफ करेगा और अपने बंदों पर शफकत करेगा। मीका की किताब को पढ़ते वक्त गौर करें कि यहोवा हमसे सिर्फ उन कामों की तवक्को क्यों करता है जो मुनासिब और फायदेमंद हैं। मीका ने बुरे लोगों के खिलाफ सजा सुनाते वक्त यहोवा पर भरोसा कैसे जाहिर किया और खुदा की बादशाहत के जरिए यहोवा की इबादत कैसे सरबुलंद होगी।